नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप देख रहे हैं मगध संवाद यूट्यूब चैनल। आज की ताजा व बड़ी खबर, आज मैं आपके बीच नियोजित शिक्षकों के विभिन्न मामलों समस्याओं को लेकर आया हूं। इस बार मैं एक नया चीज को प्रारंभ करने, वीडियो को बनाने जा रहा हूं, यानी आज से ही इसका मैंने शुरुआत किया है, संडे कमेंट बॉक्स, जिसमें पूरे सप्ताह आपके द्वारा हमारे चैनल पर जो कमेंट किए जाते हैं, जिस समस्या को लेकर, जिस कारण से, अच्छे बुरे जो भी कमेंट किए जाते हैं, उन कमेंटों को मैं अपने इस वीडियो में हर संडे को शामिल करूंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जहां तक बात समस्याओं की है, तो मेरी कोशिश होगी कि वह समस्या का जो प्रश्न है आपका, उस प्रश्न का जवाब बखूबी ढूंढकर आप तक पहुंचाने का कार्य करूं। आज सेवा शर्त की बातें चल रही है अखबारों में, विभिन्न YouTube चैनलों पर केवल सेवा शर्त की ही बातें चल रही है कि चुनाव के पहले बिहार सरकार यानी नीतीश सरकार जो है नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त देने जा रही है। यह बात बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन आज हमें जरूरत सेवा शर्त की क्यों पड़ी, जबकि पुरानी सेवा शर्त पुराने शिक्षकों के लिए बना हुआ है। हमें नई सेवा शर्त की जरूरत नहीं, बल्कि हमें जो पुरानी सेवा शर्त है उस सेवा शर्त की जरूरत है। फिर भी मैं बता दूं कि अगर सेवा शर्त अगर मिलता है, नई सेवा शर्त का जो निर्माण हुआ है, हो रहा है, उसमें दो तीन बिंदुओं को रखा गया है, जिसमें प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति, यानी कि नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर भी प्रोन्नति मिल सकेगा। दूसरा है तबादला। इसमें मुख्य रूप से तबादले में देखा गया है, चर्चा जहां तक चल रही है कि नियोजित शिक्षकों का जो ट्रांसफर है, तबादला जो है, जिला भर में होगा। लेकिन उसके साथ साथ यह भी चर्चा है, यह भी बातें आ रही है कि नई सेवा शर्त में यह भी बनाया गया है, जिसमें वैसे शिक्षक जो दूसरे जिला के हैं और दूसरे जिला में उनका पदस्थापना है, तो वैसे शिक्षकों को अंतर जिला ट्रांसफर भी किया जाएगा। यह बात अभी कोई प्रमाणित तौर पर नहीं, बल्कि यह जरूर है, कह सकता हूं कि सेवा शर्त का जब निर्धारण होगा, सेवा शर्त जो हम लोग को मिलेगा, नियोजित शिक्षकों को मिलेगा, उसमें अंतर जिला ट्रांसफर की बात अवश्य होगी। यानी कि जो भी हमारी शिक्षिका बहने हैं, अगर वो अपने मायके में ड्यूटी कर रही हैं, ससुराल ट्रांसफर करवाना चाहती हैं, तो वैसे शिक्षक शिक्षिकाओं को ट्रांसफर होगा जो दूसरे जिला में ड्यूटी कर रहे हैं। फिर मातृत्व अवकाश पर अगर हम चर्चा करें, तो मातृत्व अवकाश जो अभी फिलहाल नियोजित शिक्षकों शिक्षिकाओं को मात्र 135 दिन मिलता है, लेकिन नए सेवा शर्त में 135 दिन की जगह 180 दिन का प्रावधान होने जा रहा है। तीसरी बात पर अगर हम चर्चा करें, तो नई सेवा शर्त के अंतर्गत हमें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति भी मिलेगा। ऐसे भी मैं बता दूं कि हाईकोर्ट का जो अभी डिसीजन आया है, पूर्व में भी आया था कि नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दे, लेकिन सरकार लापरवाही की, अब तक स्नातक ग्रेड में नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिल पाया, स्नातक ग्रेड में उनका नहीं हो पाया। उस समय एक तय किया गया था कि जो बहाली हो रही है उसमें 50% जो है नियोजित शिक्षकों के लिए छोड़ा जाए, लेकिन फिर सरकार बहाली कर रही है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है और कहा कि पहले नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाए। यह काम भी हम लोग को होगा। संडे कमेंट बॉक्स हमको बनाना इसलिए ज़रूरी पड़ा क्योंकि बहुत से हमारे साथियों को, मित्रों को, शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को प्रश्न होता था, मैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देता ही था, शायद वह देख पाते थे या न देख पाते थे। आज मैं कमेंट संडे बॉक्स, मैं हर रविवार को कमेंट संडे बॉक्स बनाऊंगा, जिसमें आपके कमेंट का जवाब जहाँ तक हो सकेगा आप तक मिलेगा। सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूँगा रणधीर सिंह की, जिन्होंने अपने कमेंट में लिखा है, लागू कराओ तब बात बताओ। जी, मैं वीडियो बनाता हूँ, जो आप हम तक खबर पहुँचती है और हमें लगता है कि हमारे मित्रों तक, शिक्षकों तक, नियोजित शिक्षकों तक एक खबर पहुँचनी चाहिए, उनके जानकारी होना चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। रणधीर सर, तो यह लागू करवाने की बात जो है हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में। मैं भी चाहता हूँ अगर लागू होता है तो उससे हमें भी फायदा है, तमाम शिक्षकों के, बिहार के शिक्षकों को फायदा है। दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगा दीपक कुमार को, जिन्होंने लिखा है नीतीश कुमार का दलाल। भाई, मैं भी शिक्षक हूँ,
मैं किसी का दलाली नहीं करता हूँ, न किसी का प्रचार करता हूँ। ये केवल मेरा एक ही मकसद है कि मैं सरकार की बात जो आ रही है वो अपने साथियों तक, शिक्षकों तक पहुँचाऊँ। इसमें दलाली की कोई बात नहीं है। अगर सरकार के खिलाफ बात आती है तो सरकार के खिलाफ वाली बात आप तक पहुँचाते हैं, अगर कुछ अच्छी बात आती है तो अच्छी बात भी आप तक पहुँचाने का कार्य हम करते हैं। अगला नाम है सनोज पाल का। उन्होंने लिखा है एक जिला से दूसरे जिला में ट्रांसफर मिले। इन्होंने लिखा है अपने कमेंट बॉक्स में कि नियोजित शिक्षकों को एक जिला से दूसरे जिला में ट्रांसफर मिले। बिल्कुल भाई, मिलना चाहिए, अंतर जिला ट्रांसफर होना चाहिए। नई सेवा शर्त या पुरानी सेवा शर्त जो भी हमें मिलेगा उसमें अंतर जिला ट्रांसफर का जो सुविधा है वह अवश्य मिलना चाहिए और मिलेगा भी। तीसरा है धर्मेंद्र कुमार। इन्होंने थोड़ा सा शिक्षक का जो गरिमा है उस गरिमा को भूलकर इन्होंने कमेंट किया है। मैं धर्मेंद्र सर से मेरा निवेदन होगा कि जब भी आप सोशल मीडिया पर कमेंट करें तो यह ख्याल रखें कि आप शिक्षक हैं। अगर आप शिक्षक हैं तो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करें। मैं एक संघर्ष के रूप में वीडियो बनाने का काम करता हूं। अगर इस तरह की अगर भावना आपके बीच में है तो मैं शिक्षकों पर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद नहीं आती है तो आप नहीं देखें, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पर हमें कुछ नहीं, आप गाली दे लीजिए, कुछ नहीं होता है। लेकिन यह समाज के लिए, शिक्षक समाज के लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि शिक्षक के गाली के रूप में प्रयोग करते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। फिर भी धर्मेंद्र सर लिखते हैं सरकार के लिए काम कर रहा है तू, नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं। उसके पहले गाली का प्रयोग किया गया। मैं बता दूं कि मैं भी एक शिक्षक हूं और हमेशा मैं नियोजित शिक्षकों के लिए संघर्ष करता रहा हूं, अपने जिले से लेकर प्रदेश स्तर में भी जो वीडियो बनाने का काम कर रहा हूं। यही मेरा मकसद है कि शिक्षकों का जो मांग है, संघर्ष है, वो आगे बढ़े और हमारी मांगे पूरी हो, और कुछ नहीं। वीडियो बनाने का कई कंटेक्ट हमारे पास है, लोगों के पास होता है, हम क्यों न्यूज के फेर में रहेंगे, लेकिन होता है, चलिए अदर भी न्यूज भी डालते हैं। अगर इस तरह की बातें हैं तो मैं न्यूज शिक्षकों पर वीडियो अगर आप लोग की इच्छा होगी तो बंद कर दूंगा। मेरा अलग कंटेक्ट रहेगा, मेरी इच्छा होगी, मेरा ये अगर सोच होगा कि मैं वीडियो बनाऊँ तो अलग कंटेक्ट पर भी बना सकता हूँ, शिक्षक ही ये कंटेक्ट नहीं है। तो कम से कम धर्मेंद्र सर, अपने जो शिक्षक हैं, आप हैं, हम हैं, सारे लोग हैं, तो कम से कम शिक्षक की गरिमा को रखकर कमेंट करें। तीसरा नाम गौरव केसरी जी का है। अरे भाई जी, अंतर जिला ट्रांसफर का सुविधा करवाओ, वरना कोई फायदा नहीं सेवा शर्त का। बिल्कुल सर, गौरव सर, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब तक अगर अंतर जिला ट्रांसफर नहीं होगा तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। सेवा शर्त आएगा, अंतर जिला ट्रांसफर होना चाहिए, तबादला होना चाहिए, प्रधानाध्यापक में पुनर्ति मिलना चाहिए, स्नातक ग्रेड में पुनर्ति मिलना चाहिए। अगर नहीं होगा, सबसे बड़ी समस्या तो है कि अंतर जिला ट्रांसफर नहीं होने से हमारे शिक्षक साथियों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अतः मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा कि अंतर जिला ट्रांसफर सेवा शर्त आए तब भी और नहीं आए तब भी यह सुविधा शीघ्र होनी चाहिए। अगला नाम है बबलू गुप्ता जी का, जिन्होंने लिखा है नियोजित शिक्षकों के बाद सीट फुल होने के बाद ट्रांसफर कहाँ करेगा अपने घर में। इस सरकार पर लिखते हैं कि अगर आप नए शिक्षकों की बहाली ले रहे हैं और उसी में अगर सीट फुल कर लेते हैं तो नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर आप कहाँ कर पाएंगे, स्नातक ग्रेड में पुनर्ति कहाँ कर पाएंगे या ट्रांसफर कहाँ कर पाएंगे। ये बिल्कुल बात सही है, इस पर काम होना चाहिए। आगे गोपाल कृष्ण जी लिखते हैं, इनका जवाब मैंने कमेंट बॉक्स में ऐसे दे चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं इस संडे बॉक्स में इसको शामिल कर रहा हूं। गोपाल कृष्ण जी, शीघ्र सुनकर कान से खून निकाल दिया भाई तुमने। इन्होंने लिखा है कि शीघ्र सही बात है, ऐसा जो भी खबर मीडिया में आता है उस मीडिया के खबर को उठाकर मैं आप तक पहुँचाने का काम करता हूँ और उसमें दिया जाता है कि जल्द मिलने वाला है, शीघ्र मिलने वाला, उसी लफ्ज में मैं भी कहता हूँ कि शीघ्र मिलने वाला है। सचमुच में यह बात सुनकर हमें भी ऐसा लगता है कि शीघ्र जल्द सुनकर आखिर वो हमें कब मिल पाएगा। चलिए, होता है, अरे हमारे तरफ से ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा मेरे हाथ में रहता तो मैं शीघ्र नहीं बल्कि शीघ्र कर देता, क्योंकि उसमें मुझे भी लाभ होता आपके साथ साथ। अगला नाम है, वीडियो लंबी नहीं हो,
आज मैं इतना ही चाहूंगा कि इस कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैं एक हाथ जोड़कर प्रार्थना आप लोग के बीच में करना चाहूंगा कि हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक की गरिमा को बरकरार रखें। जब भी किसी भी यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, जिस पर भी अगर कमेंट करते हैं तो शिक्षक की गरिमा को बरकरार रखकर कमेंट करें। या एक समाज को, जिसे मेरा ही चैनल है, इस पर हर तरह का वीडियो आता है, समाज के अन्य तबके के लोग भी देख पाते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग, हर बुद्धिजीवी वर्ग देख पाते हैं, शिक्षक समाज देख पाता है, और इस तरह के कमेंट देखकर वह हमें ज़रूर कुछ सोचते होंगे। इसलिए भाई जी, सर, तमाम लोगों से, शिक्षकों से मेरा अनुरोध होगा कि मेरे ही नहीं, किसी भी चैनल पर आप कमेंट जो हैं कम से कम एक सभ्य रूप में किया करें, इस तरह का कमेंट। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद नहीं आता है भाई, तो आप मेरा वीडियो ना देखें, लेकिन कम से कम शिक्षक समाज को बदनाम न करें। यह काफ़ी लंबी वीडियो हो चुका है, मैं इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। अगर किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई भी विचार उठता है तो आप मेरे वीडियो में पूरे सप्ताह के जो भी वीडियो, उसमें आप कमेंट करें, मैं उन तमाम वीडियो से आपके कमेंट को उठाऊँगा, 8 से 10 कमेंट को उठाऊँगा, और आपके नाम के साथ अगर चाहिए तो आप हमें अपना जिला का नाम, प्रखंड का नाम, विद्यालय के भी नाम उसमें कमेंट में लिखेंगे तो ज़रूर हम उस पूरे पते के साथ में अपने इस संडे कमेंट बॉक्स में उसे शामिल करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि उस आपका फ़ोटो भी उसमें आए तो उसमें अपना फ़ोटो भी आप हमें अपने व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, और निश्चित तौर पर जो है हम उसमें आपका फ़ोटो भी इस कमेंट बॉक्स में शामिल करेंगे। नाम, पता, विद्यालय नाम, जो भी आप चाहते हैं, आपके नाम पता के साथ, फ़ोटो के साथ में आपके प्रश्न को यहाँ डिटेल में हम रखेंगे। धन्यवाद, आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे, और सबसे मुख्य प्रमुख बात है कि अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि शिक्षक और शिक्षा विभाग की खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।